हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीता। गीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है तो कुछ ठंडा ठंडा खाने को मन होता है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो लेमन सोडा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसकी रेसिपी, आप इसे ध्यान से देखिए और जल्दी से बनाइए। बहुत ही मज़ेदार, बढ़िया और टेस्टी ड्रिंक बन के तैयार होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप जो है पका हुआ आम लिया है। इसे मैंने इसका छिलका उतार के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और एक मिक्सी के जार में इसे डाल देते हैं और साथ में डालेंगे 8 या 10 पुदीने के पत्ते। फ्रेश पुदीने के पत्ते बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है। और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच नींबू का रस और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी, 2 या 3 भी ले सकते हो, अगर आम ज्यादा है तो आप 3 ले सकते हो। यहाँ पे मैंने छोटा चम्मच लिया है इसलिए मैंने यहाँ पे 3 चम्मच चीनी डाल ली है। तो इस मिक्सी के जार को ढक्कन लगा के इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसकी पेस्ट बना देंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसकी पेस्ट बना लिया है। बहुत ही बढ़िया पेस्ट है और पुदीने का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इस तरीके से देखिए ये पेस्ट बन गई है और इसे हम जो है एक ट्रे में जो है डाल देंगे इसके जो क्यूब्स बनाने के लिए। तो इस तरीके से मैंने जो है सारी जो मैंगो की प्यूरी हमने तैयार करी है उसे मैंने एक आइस जमाने वाली जो है ट्रे में डाल दिया और इसे हम फ्रीजर में रख के और इसे पूरी तरह से फ्रीज कर लेंगे। तो चलिए इसे रखते हैं। तो जितनी देर पे हमारे जो है आम का मिक्सचर रेडी होता है उतनी देर में हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नींबू लिया है पतले छिलके वाला, इसके हम कर लेंगे 8 टुकड़े। तो मैंगो के साथ जो लेमन सोडा का जो मिक्सचर बनता है बहुत ही मजेदार और बढ़िया बनता है, आप इसे जरूर बनाइए, एक डिफरेंट टेस्ट आपको आएगा इसको पीने में। तो इस तरीके से मैंने एक नींबू के 8 टुकड़े कर दिए हैं और इसे हम डाल देंगे एक गिलास में और इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच चीनी। मैंने यहाँ पे पीसी हुई चीनी ली है क्योंकि ये जल्दी घुल जाती है। अगर आप चाहें तो शुगर सिरप का भी यूज कर सकते हो। इसमें हम डालेंगे पुदीने के पत्ते। तो यहाँ पे मैंने 5 या 6 फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए हैं और इन्हें हम थोड़ा थोड़ा काट के इसमें डाल देंगे और फिर इसे एक मडल की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस अच्छे से पुदीने के साथ मिक्स हो जाएगा और उसका जो छिलका है उसके बीच जो जूसेस हैं इसमें मिक्स हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इस तरीके से हम अच्छे से प्रेस करते हुए नींबू और पुदीने का जो मिक्सचर हम तैयार करेंगे उससे हम बनाएंगे मैंगो और लेमन सोडा। और अब हम इसे सर्व करते हैं। तो एक गिलास में हम डाल देंगे आइस क्यूब्स और इसके अंदर हम डालेंगे लेमन और मिंट का जो हमने मिक्सचर बनाया है
क्रश करके उसे हम डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे जो हमने मैंगो का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो पूरी तरह से जम चुका है, तो इसे हम धीरे से निकालते हुए इसके जो क्यूब्स हैं उसे अभी हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया क्यूब्स बने हैं। तो हमारी जो है मैंगो लेमन सोडा की ड्रिंक बनके तैयार है और अब हम इसमें डाल देंगे सोडा। तो दोस्तों मैंगो लेमन सोडा बनके तैयार है, बहुत ही बढ़िया ड्रिंक बनी है, आप इसे ज़रूर पिए। इसमें नींबू पुदीना और आम का जो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।